आपकी होस्ट रुमैमा भट्ट, खुशामदीद कहती हूँ आपको चलते चलते में। चलते चलते वो प्रोग्राम है जो आपको पाकिस्तान की खूबसूरती बाखूबी पहुँचाता है। आज हम जा रहे हैं उस शहर में जो जाना जाता है अपने रंगों, सकाफतों, जुगतों और टेक्सटाइल की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद। तो आइए चलिए फैसलाबाद के उन गिने चुने मकामात को एक्सप्लोर करते हैं जो फैसलाबाद की जान है और मुसाफिरों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, खुशहाली का निशान, सनअतकारों और मेहनतकशों की मेहनत का नतीजा है। फैसलाबाद आज से 100 साल से भी पहले संदल ज़मीन के नाम से मशहूर हुआ करता था, जब यहाँ सब वीराना और जंगलात के साए मंडलाया करते थे। फैसलाबाद ब्रिटिश राज के दौर की एक प्लांट शहर है। इसका संग बुनियाद 1895 में रखा गया था। ये शहर एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को जहन में रखकर बनाया गया था। ये पाकिस्तान का एक बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मरकज भी है, इसीलिए इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगर आप सुबह सुबह फैसलाबाद पहुंच रहे हैं तो नाश्ता हरगिज़ ना करके आएँ, क्योंकि अगर आप नाश्ता करके आएंगे तो यहाँ के देसी नाश्तों का मज़ा आप नहीं उठा सकेंगे। ख्वाह वो लस्सी हो, निहारी हो या हलवा पूड़ी हो, आपको डी ग्राउंड के पास इस गली में सब कुछ मिल जाएगा। हलवा पूड़ी, पाए, मगज़, निहारी और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे इतना कुछ मिलता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ क्या खाना है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ कैसरी गेट के सामने। कैसरी गेट वो गेट है जो घंटा घर के 8 बाजारों को लगता है। इसके बिल्कुल सामने सर्कुलर रोड और गुमटी फाउंटेन है। गुमटी फाउंटेन ब्रिटिश राज का एक बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है जो आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है। फैसलाबाद का साबिक नाम लालपुर था। 1895 में इसका नाम सर जेम्स लाल के नाम पर रखा गया था, जो कि इस शहर के बानी थे। 70 की आखिरी दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने इसका नाम सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल के एजाज में फैसलाबाद रख दिया। और चलते चलते हम पहुंच गए हैं घंटाघर। घंटाघर यानी क्लॉक टावर। घंटाघर फैसलाबाद की पहचान है। ये ब्रिटिश दौर की वो इमारत है जो आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। चार दिना दी दुनियाएं कुछ खा ले पी ले, मौजूदा कुछ खा ले पी ले। घंटाघर की बुनियाद 1903 में रखी गई। एक तरह से इसका नक्शा ब्रिटिश झंडे पर बनाया गया है। इसका बर्ड व्यू आज भी यूनियन जैक का नज़ारा दिखाता है। घंटाघर की तामीर के लिए संगला हिल से खास लाल पत्थर मंगवाया गया था। घंटाघर के गिर्द 8 गलियां और 8 बाजार।
लोहार की तरहान की अराई की अवान की कराची मल्तान की लाहौरी कोचवान की। आठ बाजारों में शामिल हैं कचहरी बाजार, चिन्नियोट बाजार, अमीनपुर बाजार, मुआना बाजार, झंग बाजार, कारखाना बाजार, रेल बाजार और मॉन्टगोमरी बाजार। इंसान मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान, कुछ वक्त दे दुकान ना तो हो परेशान, आकर जाना कब्रिस्तान कोटा चमन ते अरान चौकीदार दरबान जानदार ते हवान नेक बाद ते शतान ए सारे मेहमान ताल मात ए दमान तेनू ताकरे दमान मेनू शहरी दमान। यहाँ हर बाजार की अपनी अहमियत और खसूसियत है। जहाँ एक बाजार में आपको नजर आएंगे झिलमिल सितारों से सजे कपड़े, वहीं दूसरे बाजार में होंगे दिल मोह लेने वाले सोने के जेवरात। और इन बाजारों को याद रखना तो इंतहाई आसान है। जिस मुकाम को ये रास्ते जाते हैं वही इनका नाम है। जैसे कि मैं जाने लगी हूँ झंग बाजार, जो रास्ता लगता है जिला झंग को। चार दिन की दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजूदा, कुछ खा ले पी ले मौजूदा, सारे गाँव पादा निशा सानी दा पमा गरी सा पानी का बुलबुला, आहा हाउ पानी का बुलबुला, ला 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 ला। घंटा घर के गेट बाजारों में जहाँ गेमा गेमी पाई जाती है, वहीं पे यहाँ पे बहुत से मजाहिब के गहवारे मौजूद हैं। आपको यहाँ पे दरबार, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी मिलेगा। मुल्क के बहुत से लेजेंड फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें शहबाज सीनियर, आरफा करीम, सईद अजमल, राहत फतेह अली खान भी शामिल हैं। और झंग बाजार की इन्हीं गलियों में पैदा हुए थे नुसरत फतेह अली खान। झंग बाजार की एक और खास चीज पहलवान की कढ़ाई, जो एक बहुत खास अंदाज में बनाई जाती है। और मज़ेदार कढ़ाई मैंने आज तक नहीं है, पहलवान की कढ़ाई। आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करें। असल वसल के बाद मुझे ज़रूरत थी थोड़े से आराम की, और जिना गार्डन से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। सरसब्ज माहौल और खुली फिजा और फिर ऊपर से ये मौसम, शोरगुल से दूर शहर के बीच में ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ शाम के टाइम फैमिली जा सकती हैं और आके अपना टाइम गुजार सकती हैं। While the sun was dawning, was seeds of May. It was a magic sunset in a beautiful place. It was the sign of a world we did forget. A big crowd in silence, just confused. While the orange colors left behind the blues, they buried their feet, raising up their hands. They started to bathe their fears in golden rays. When you say goodbye, falling from the sky, I don't know what to do. पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कई एक्सपेरिमेंटल फार्म्स और कैटल ब्रीडिंग स्टेशंस फैसलाबाद में मौजूद हैं।
फैसलाबाद शहर के बीचों बीच है हजरत नूशावली का मज़ार। सदियों पहले जब इस शहर का नामो निशान भी न था तब यहाँ नूशावली का मज़ार था। इसके गिर्द एक छोटी सी आबादी थी मटका वाली बस्ती के नाम से। उसी बस्ती के रंग और खुशबू आज भी इस फिजा में महसूस की जा सकती है। का नाम सुन के तो ख्याल आता है कि सिर्फ ये एक पार्क होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये फैसलाबाद का बहुत बड़ा शॉपिंग हब है, जहाँ पे आपको तमाम फूड चेन्स और तमाम ब्रांड की चेन्स मिल जाएंगी। ख्वाह आपको बच्चों को घुमाना हो या छोटी मोटी शॉपिंग करनी हो, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू कम। हर तरह की मार्केट्स में घूमते हुए आपका दिल तो बहुत ललचाएगा। यहाँ पे फैशन ब्रांड्स और गैजेट्स तो हैं ही, पर उसके साथ साथ लोकल मार्केट्स में खूब वैरायटी मौजूद है। आबादी के लिहाज से फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन 20% से ज़ायद है। चलते चलते की टीम के साथ हम आ पहुंचे हैं इकबाल स्टेडियम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का वो स्टेडियम है जो पाकिस्तान के मशहूर शायर इलामा इकबाल के नाम पर रखा गया। ये वो स्टेडियम है जिसका पुराने नाम लैलपुर सिटी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम हुआ करते थे। इस स्टेडियम में 18,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है और यहाँ पे 25 इंटरनेशनल मैचेस और 14 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकबाल स्टेडियम ना सिर्फ क्रिकेट मैचेस के लिए है बल्कि इसके इर्द गिर्द बहुत से एंटरटेनमेंट और खाने पीने के लिए स्पॉट्स अवेलेबल हैं। फैसलाबाद के रंगों में आज का दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। चलते चलते मैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर एक और एपिसोड में एक और नए शहर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।